जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दाई इस्लाम मुबल्ली के इतिहादुल बैनुल मुस्लिमीन और अल कायम वेलफेयर सोसाइटी कराची के चेयरमैन हैं और मजहबी स्कॉलर हैं और जानी पहचानी शख्सियत हैं इलामा मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब। ये आजकल यूरोप के दौरे पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके यूरोप पर आने का मकसद और मुस्लिम उम्मा के लिए ये क्या पैगाम देना चाहते हैं, और इन्होंने हालिया इलेक्शन में जो पीटीआई के वजीर आजम इमरान खान साहब हैं उनकी हमायत की थी, आजकल इमरान खान जो है उनकी हुकूमत क्राइसिस में है, उनके हवाले से भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मौकफ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो तमाम यूरोपियन इलाकों के मगरबी इलाकों के मुसलमानों को और बिलखसूस शियों को सलाम पेश करता हूं, और मैं आपसे मुलाकात के लिए यहां एक अरसे से दावतें थी, एक अरसे से कोशिशें थी, यहां के मोमिनीन मुसलमीन की ख्वाहिश थी कि मैं यूरोप के सफ़र पर आऊं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र मुसलसल जारी है, रोज़ाना एक नए मुल्क में जा रहे हैं और आज यहां आपके यहाँ ऑस्ट्रिया आए हैं। बहुत कामयाब सफ़र है, बड़े इज्तमात हो रहे हैं, शिरकत भरपूर है, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा यूरोप के रहने वालों का। और मुसलमानों के लिए पैगाम यही है कि जैसे आप यहाँ यूरोप में मिल के रहते हैं, ऐसे ही अपने अजीज़ों से कहिए, अपने रिश्तेदारों से कहिए कि वो पाकिस्तान में भी सुन्नी शिया तमाम मुसलमान तमाम मकातब फ़िक्र आपस में अच्छी हमहंगी के साथ रहें, और जो मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं उस हवाले से इतनी ही बात है कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत के दौर में भी हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई, बम धमाके हुए, शहादतें हुई, तीन वाकयात तो इमरान खान साहब की हुकूमत में शियों के खिलाफ ऐसे हुए कि जिनको बुलाया नहीं जा सकेगा, बहुत से जनाजे हमने उठाए, मगर इसमें जो एक आलमी सियासत कार फरमाया उसे हम सरफ नज़र नहीं कर सकते, उससे हम इनकार नहीं कर सकते कि एक आलमी सियासत पाकिस्तान के अंदर जो कार फरमा रहती है। मौजूदा दौर में मुस्लिम उम्मा के मफाद में, खित्ते के मफाद में और आलम इस्लाम के मफाद में नामों से रिसालत के उनवान से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि इस उलझन से इमरान खान को निकलना चाहिए, और इमरान खान के लिए मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह इस उलझन से उन्हें निकाले और उनकी हुकूमत बरकरार रहे, बल्कि मेरी ख्वाहिश तो होगी कि आइंदा 5 साल भी उन्हीं की हुकूमत, क्योंकि महंगाई का मसला सिवाय महंगाई के और क्या मसला है जो एतराज़ किया जा सकता है, वो आलमी मसला है। कौन सा मुल्क है जिसमें महंगाई आम नहीं हुई है? मैं इस मौजूदा हालात में ये कहूँगा कि मुस्लिम उम्मा के खित्ते के और ये जो चेंज ऑफ ब्लॉक की तरफ पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ जाना चाहता है उसमें इमरान खान का होना ज़रूरी है। दीगर हुकूमतों में भी हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे लिए तो मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा सस्ता खून पाकिस्तान में शियों का ही रहा है हमेशा, हमारे लिए कोई भी अच्छा नहीं रहा बहसीत शिया, लेकिन बहसीत वतन, अगर वतन ठीक हो गया तो फिर शिया सुन्नी के मसले भी ठीक हो जाएंगे, अगर पाकिस्तान ठीक हो गया तो फिर ये उलझने भी दूर हो जाएंगी। तो बहसीत शिया तो हमें कभी भी चैन नहीं मिला, लेकिन वतन को ठीक करने के लिए इस वक्त इमरान खान की ज़रूरत है। इलामा साहब, अभी हाल ही में पिशावर में सानिया हुआ, अहले तशी शहीद हुए, उन क्या उनके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया? अभी तक हमें नहीं बताया गया, हमारा मुतालबा है, हमारी शिद्दत से एहतजाज है, हमें अब तक नहीं बताया गया, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि हम बहुत आगे तक आ चुके हैं, तहकीकाती अमल बहुत आगे बढ़ चुका है, कुछ लोग इन्होंने गिरफ्तार भी किए हैं। अगरचे इस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि 5 लाख रुपए हर फैमिली को, शहीदों के हर खानदान को 5 लाख रुपए के पी के की हुकूमत देना चाहती थी, हमने एतराज़ किया और वफाकी हुकूमत से हमने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में 30-30 लाख रुपए वरासा को दे दिए जा चुके हैं उस एहतजाज के नतीजे में, और जख्मियों को 5 लाख रुपए और शहदा की फैमिलीज को 30 लाख रुपए, लेकिन अभी तक हमें नहीं बताया गया कि कातिल कौन है और कहां से आए थे और उनके सहूलतकार कौन थे और किन्होंने उन्हें जगह दी थी और किन्होंने उन्हें फंड्स फराम किए थे, और कभी भी नहीं बताया हमें, पहले भी नहीं बताया गया हमें, ये हमारा शिकवा है। जी लामा साहब, आपने कहा जो इमरान खान की हुकूमत के मुतालिक आपने कुछ सपोर्ट की बात भी की, मगर जो आज का देखा जा रहा है खसूसी तौर पर सियासत में, अब तो वो रियासत मदीना का भी नाम आ गया, उसके बाद अब उम्र मरूफ का नाम आ रहा है, ये जायज़ है? ये बात उलमा से निकल कर अब ये सियासतदानों के हाथ चली गई है। मेरे ख्याल से डॉक्टरों को भी अल्लाह रसूल की बात करनी चाहिए, इंजीनियरों को भी अल्लाह रसूल की बात करनी चाहिए, मौलवियों का ही तो काम नहीं है कि कुरान समझाएं या दीन समझाएं,
ये जब तक हमने क्लासें बना दी हैं कि सिर्फ आलिम ही जो है वो ये काम करेगा। अम्र बिल मारूफ तो फिक्र अहले बैत में हर फर्द पर वाजिब है, और मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ कि हालात अच्छे नहीं हैं। हमें पाकिस्तान का मफाद देखना चाहिए, अगरचे हम नाराज़ हैं, हुकूमत वक्त से नाराज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि और खित्ते का मफाद और आलम इस्लाम का मफाद इसमें है कि एक भुट्टो साहब की तरह एक मर्द आदमी मिलना चाहिए, और कायद आजम के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद अब हमें इमरान खान ऐसा नजर आता है जो आलमी सतह पर बात करने की सलाहियत रखता है। अब जो अदम इतमाद आ चुकी है तो उन्होंने हुकूमत ने कहा था कि अदम इतमाद लाएं, हम इसको 14 दिन के अंदर बल्कि दूसरे दिन इसकी वोटिंग करा देंगे। अब तो 22 दिन ऊपर होने वाले हैं और अभी 25 को फिर दोबारा इजलास है, और क्या यह हुकूमत खुद जानबूझ कर रही है? नहीं, इस तरह तफसील मुझे नहीं पता और ना ही इन मामलात से मैं आगा हूँ। मैं तो एक तो काफ़ी अरसे से यहाँ सफ़रों में हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो असम्बली और इस स्पीकर का इख्तियारात हैं उसका इस्तेमाल कानून के मुताबिक होना चाहिए। अपोजिशन तो कह रही है ये कानून के मुताबिक नहीं है, 14 दिन के अंदर जरूर इजलास बुलाना और वोटिंग कराना जरूरी है, तो उन्हें किसी अदालत में जाना चाहिए, किसी फोरम पे जाना चाहिए जहाँ उनकी बात सुनी जाए। वो तो जा रहे हैं, मेरा डेढ़ आज भी हेयरिंग हो रही है। जो जो हक और सच होगा उसका साथ देना चाहिए।